हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मीकांत कापगते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी फेमस एसे ऑफ फ्रांसिस बैकन ऑफ स्टडीज। दोस्तों, इस एसे के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे बुक पढ़ना चाहिए या क्या क्या पढ़ना चाहिए या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दिस इश्यूज इन दिस एसे। Dear friends, this essay of studies, which is written by Francis Bacon, is the first essay in his series of 10 essays that was published in 1597. दोस्तों, ये जो essay है, उन्होंने जो 10 essays की series शुरू की थी, उसमें से पहला ही essay है, जो कि 1612 में उन्होंने बहुत अलग तरीके से addition करके रिवाइज किया था। कुछ नए सेंटेंस, नई आइडियाज, नई टर्मिनोलॉजीज और वोकैबुलरीज इसमें ऐड की थी। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसे क्या नई नई बातें जो पढ़ाई के बारे में फ्रांसिस बैकन बोलते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, फ्रांसिस बैकन एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जाने माने लॉयर थे इंग्लैंड के। वो अच्छे एक पार्लियामेंटेरियन थे, स्टेटमेंट्स थे, और जो कि हम उसके एसे पढ़ने जा रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ही वॉज अ वेरी पॉपुलर एसेइस्ट और हिस्टोरियन एज वेल एज इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर इन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर। दोस्तों, अगर हम उनके बायोग्राफी या उनकी जीवनी अगर देखें तो ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1561 एंड ही डाइड इन द ईयर 1626। ये जो पीरियड है दोस्तों, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट, ये दो राजाओं का, ये एक रानी और एक राजाओं का काल था जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 65 साल बिताए थे। ही इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर हिज मॉडर्न साइंस और ही वॉज वेरी फेमस एज अ पायनियर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स। दोस्तों, ये जो एसे है, दिस एसे इज रिगार्डेड एज बैकन्स मास्टरपीस एंड एनरिच with stylish or the stylistic study or you can say the very you know different words that has been used from the Latin vocabulary which are very fresh and new in their genre, in their nature also. दोस्तों, फ्रांसिस बैकन अपना जब एसे ऑफ स्टडीज शुरू करते हैं तो वो इस लाइन से शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीप यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड द मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कैन बेस्ट और कम बेस्ट फ्रॉम द दोज दैट आर लर्न इट। Actually, in the very beginning, he is telling us the three uses of language. First, he says we can use. वो हमको तीन तरह के uses बताते हैं पढ़ाई के और reading के, कि पहला है delight, जो कि हम privateness और retiring stage में या उस अवस्था में use कर सकते हैं। दूसरा है ornament, कि जो एक हमारा अलंकार बन जाता है, हमारा एक गहना बन जाता है, जो कि एक एक गोल्ड की तरह होता है, जो चमकता है, ग्लिटर करता है, शाइन करता है किसी भी आर्गुमेंट में, किसी डिस्कोर्स में। और तीसरी बात वो बताते हैं कि इट इज ऑल्सो इट गिव्स एन एबिलिटी और इट जनरेट्स एन एबिलिटी इन अवर सेल्फ। फॉर व्हाट? किसी भी बात को जज करने के लिए, किसी भी बात को नर्चर करने के लिए या बहुत ही क्वालिटेटिवली प्रेजेंट करने के लिए ये पढ़ाई या रीडिंग हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए दोस्तों, वो और एक बात बताते हैं कि एक्सपर्ट मैन मीन्स द इंटेलिजेंट मैन और लर्नेड मैन कैन एग्जीक्यूट एनी सिचुएशन, एनी ऑपरेशन, एनी यू नो इवेंट और एनी डिफिकल्ट सिचुएशन ईजिली विद देयर नॉलेज, विद देयर एक्सपर्टाइज, विद देयर स्टडी ऑल्सो, एंड दे कैन गार्नर डाटास, फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर व्यू वेरी रैशनली विदाउट एनी बायस्ड। कभी भी मन में कोई भी ऐसा कोई भय नहीं रहता, ऐसा कोई कोई भी ऐसी पूर्वाग्रह नहीं रहता कि वो एक अवस्था को, किसी भी सिचुएशन को बहुत ही रैशनली जज कर सकते हैं और अपने इंटेलिजेंट का अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं, जिसके कारण वी कैन इम्प्रूव द साउंडनेस एंड द क्वालिटी ऑफ देयर जजमेंट, राइट?
सो दिस इज हाउ ही इज डिस्क्राइबिंग द फर्स्ट फ्यू लाइन्स इन दिस एसे। दोस्तों वो जब भी लिखते हैं तो वो बताते हैं कि ज्यादा पढ़ाई करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या हो सकता है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, व्हाट विल बी द रिएक्शन और द रिफ्लेक्शन ऑफ टू मच स्टडीज। ही सेज टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ। दोस्तों यहाँ पे देखिए वो बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ाई करने से या कुछ ज्यादा टाइम देने से, ये जो स्लोथ का है, स्लोथ मीन्स लेजीनेस, बोलते हैं कि अगर ज्यादा पढ़ाई के लिए हम टाइम दें और एक ही जगह पे ज्यादा देर बैठे तो हम में थोड़ा आलस निर्माण हो सकता है, आलस के हम आहारी जा सकते हैं। वो बोलते हैं टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब वो बोलते हैं कि हम ज्यादा ही उसको कुछ ऑर्नामेंट की तरह यूज करें तो उसका भी अलग एक रिएक्शन आ सकता है, और टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, कि पढ़ाई के आधार पर ही हम अगर कुछ घटनाओं को अगर एनालाइज नहीं करते हैं और उसके आधार पे ही हम अगर जजमेंट देते तो वो भी एक अपनी एक मजाक बन के रह जा सकता है या कुछ ऐसे उसको ज्यादा वैल्यू नहीं मिल सकता। वो और बोलते हैं कि द यू नो वो कहते हैं कि ओवर यूज ऑफ द विजडम टू एनालाइज ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस इश्यूज मे मेक अ मैन अपियर प्रिटेंशियस और यू नो वो बोलते हैं कि वेन ग्लोरियस, राइट। इसका मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि जब भी कोई एक झाड़ है, जैसे एक नेचर में है, दे परफेक्ट नेचर एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंसेस। वो बोलते हैं कि नेचर का एक उदाहरण देते हैं कि जो भी कोई झाड़ होता है, कि एक प्लांट होता है, नेचुरल प्लांट होता है, जब भी नेचुरल प्लांट्स कैसे भी अपने उसके ब्रांचेस बढ़ते हैं तो हम उसको उसकी कटिंग करते हैं, उसकी प्रूनिंग करते हैं, राइट। तो वैसे ही हमारे एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए हमको एक डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है जो हमारे एक्सपीरियंस के साथ हमको वो आती है। मतलब जीवन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमको पढ़ाते हैं या हम उससे पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे वो हमको बताते हैं, राइट। सो इन वेरियस सिचुएशन मेनी पीपल और मेनी पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। सो एक्सपीरियंस इज द वेरी वैल्यूएबल एज इट 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 बिकम्स अ सप्लीमेंट्स स्टडीज और इट इट गिव्स अ सप्लीमेंटरी सोर्स टू अवर एक्सपीरियंसेस एंड टू अवर लर्निंग ऑल्सो, राइट। सो दिस इज हाउ ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड द साइड इफेक्ट ऑफ रीडिंग इन दिस लाइन्स। फ्रांसिस बैकन आगे में लिखते हैं कि क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड द वाइज मैन यूज देम। दोस्तों मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये कोटेशन करके भी बहुत जगह यूज होता है। तो वो बोलते हैं कि क्राफ्टी मैन मीन्स द पीपल दोज हु आर कनिंग, दोज हु आर डिसीफुल हैव नो एप्रिशिएशन फॉर स्टडीज एज दे अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू मेनी क्रूक्ड वेज, राइट। तो बहुत जगह वो हमको कंडेम करते हुए ही दिखते हैं, लेकिन जो सिंपल मैन है, सिंपल पीपल है, सिंपल फोक है, राइट, वो ऑलवेज ये पढ़ाई को, ये रीडिंग को, ये स्टडी को बहुत ही वैल्यू देते हैं, बहुत ही यू नो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एडमायर करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देन, यानी वो तीन तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। वो एक क्राफ्टी तरह के लोग होते हैं, कनिंग माइंड पीपल होते हैं, कुछ सिंपल लोग होते हैं और कुछ वाइज मैन, कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं कि जो इस नॉलेज को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ही सेज फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, ही सेज, यानी वो कहते हैं कि जब भी हम इसको यूज करते हैं तो देखो क्या बोलते हैं, फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी इंटेलिजेंट पीपल होते हैं या कोई भी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो जज कर लेते हैं एक आधी सिचुएशन। और वो ऑल्सो सेस कि रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्फ्यूट। मतलब वो क्या बोलते हैं कि हमको कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन निर्माण करने के लिए या तैयार करने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, किसी के पास किसी के बात को हमको डिसअप्रूव करने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, और नॉट टू बिलीव और टू टेक फॉर ग्रांटेड, या किसी भी बात को हमको ग्रांट करने के लिए ही पढ़ाई नहीं करना है। वो बोलते हैं नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसिडर।
उसका मतलब है दोस्तों कि वो जब भी कोई सिचुएशन है उसको कैसे तरह से मॉरल बेस पे कैसे जज किया जाता है, हाउ टू जज ऑन द बेसिस ऑफ मॉरलिटी, दैट ही सेज दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ योर रीडिंग, दैट मे बी द बेस्ट यूज ऑफ योर यू कैन से ऑफ योर स्टडी ऑफ योर लर्निंग सेज। बहुत ही ज्यादा सीरियसली हम उसको पढ़ना चाहिए या हमको उसको थोड़ा सीरियसली कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। ये जो डिलीजेंस करके है और अटेंशन है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कि सम बुक्स, कुछ बुक्स ऐसे होते हैं कि उसको सिर्फ ऐसे कर्सरी ग्लांस करे 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 तो भी सफिशियंट है, और कुछ ऐसी बात है कि जिसको हम ऐसे ही ट्रैवलिंग में या किसी प्रवास में जब जाते हैं, किसी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स होते हैं जो कुछ ऐसी सीरियस या इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं उसको हमको फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड माइन्यूटली वेरी सीरियसली उसको पढ़ना पड़ता है, राइट? क्योंकि दे कैरीज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, दैट कैरीज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, राइट? एंड दैट इज वाई वी मस्ट रीड वेरी स्लोली एंड माइन्यूटली, बिकॉज इट कैरीज द ट्रू फैदम एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट? तो वो ऐसे बोलते हैं, और वो ऑल्सो ही सेस सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाई डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाई अदर्स, बट दैट वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंस, राइट? इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ही सेज, इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट मीन्स बहुत ही जो भी कुछ लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, कोई भी जब भी हम बात करते हैं तो कोई किस बात को कुछ कम वेटेज होता है ऐसी बातें में। एंड मिनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, इल्स डिस्टिल्ड बुक आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर और फ्लैशी थिंग्स ही सेज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इन दिस पर्टिकुलर लाइन द फ्रांसिस बैकन सेज कि फ्रांसिस बैकन सेज वन कैन आस्क एन असिस्टेंट टू रीड अ बुक एंड प्रिपेयर शॉर्ट समरी ऑफ इट, बट सच प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड फॉर ऑप्टिमम गाइडेंस ऑन मैटर ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस। दीज और देर आर सम बुक्स, देर आर सम इम्पोर्टेंट बुक्स विच आर इन फैक्ट शॉर्टन ऑलरेडी, राइट? मीन्स वहां पे कुछ ऐसी बात होती है, ऐसी किताबें होती है कि जो बहुत ही कम शब्दों में या कम लाइंस में लिखी होती है, तो उसमें कुछ ज्यादा अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीन तरह के बुक होते हैं यहाँ पे, कुछ सम टू बी टेस्टेड, सम टू बी स्वेलोड एंड सम टू बी रीड वेरी सीरियसली, राइट? तो इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ाई के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों जब भी हम इस एसे में और डिटेल जाते हैं तो हमको बहुत सारे कोटेशंस मिलते हैं। फ्रांसिस बैकन लिखते हैं कि रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड देयर फोर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड अ ग्रेट हैव अ यू नो ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। मतलब देखिए दोस्तों कि पढ़ाई के बारे में वो बहुत ही सीरियस तरीके से बात करते हैं, बहुत ही फिलोसॉफिकल कमेंट यहाँ पे देते हैं, और वो बोलते हैं कि हमको पढ़ाई क्या करती है, फुल मैन बनाती है। फुल मैन का मतलब हमको बहुत ही रीडर बनाती है, वो ऐसे हम थॉटफुल बन जाते हैं जिस पे हम विचार कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि जब भी कभी हमको प्रेजेंट करने की बात आती है तो हम उसको रेडी रहते हैं किसी भी बात को डिस्कस करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए, या किसी के बात में हमने विचार रखने के लिए हम बहुत ही रेडी हो जाते हैं। और राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, राइटिंग मतलब जब हम भी कभी लिखते हैं, जो भी बात सुनते हैं समझते हैं या बोलते हैं उसको समझ के जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको हमारी बहुत ज़्यादा क्वालिटी इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए दोस्तों, वो बोलते हैं कि अगर हमको बहुत ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बहुत सारा विचार अगर अगर प्रेजेंट करना है तो वी शुड हैव अ ग्रेट मेमोरी। इफ ही कन्फर लिटिल ही हैड नीड अ हैव अ प्रेजेंट वीट, एंड इफ ही हैड रीड लिटिल ही हैड नीड मच मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डू सॉरी डोट नॉट ही सेस। मतलब इसमें देखिए बहुत सारी बातें वो बताते बताते हमको बोल जाते हैं कि राइटिंग हेल्प्स टू मेमोराइज फैक्ट्स, एंड इफ अ पर्सन इज ब्लशफुल सो एज एज नॉट टू डिस्कस हिज रीडिंग विथ अदर्स ही विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव हिज विट। ही डज नॉट रीड ही विल रिमेन अ समवॉट स्टूपिड पर्सन,
मीन्स जहां पे ये जो कनिंग है कि इफ यू आर लिमिटेड टू यूर सेल्फ यू विल बी टर्निंग इन टू अ कनिंग माइंड और इन टू अ कनिंग पर्सनैलिटी। डियर फ्रेंड्स, इन द लेटर लाइन्स और इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और वेन वी स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स ही इज टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स एंड द एडवांटेजेस ऑफ ऑल दिस इशूज। ही सेज और ही राइट्स लाइक दिस, हिस्ट्रीज मेक्स मेन वाइज, पोएट विटी एंड द मैथमेटिक्स सटल, नेचुरल फिलोसॉफी डीप, मॉरल ग्रेव, लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेन। एंड ही इज यूजिंग सम लैटिन वर्ड्स हियर, एबेंट स्टडिया इन मोर्स, इट मीन्स स्टडीज डेवलप मैनर्स, ने देर इज नो स्टोन और ऑब्स्टेकल और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज, लाइक एज डिसीजेस ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, बाउलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रिस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टोमक, राइडिंग फॉर द हेड एंड लाइक। राइट नाउ सी वॉट ही एक्चुअली सेइंग, ही सेज स्टडिंग हिस्ट्री मेक अ मैन वाइजर, मतलब हम जब इतिहास की पढ़ाई करते हैं तो हमको बहुत ही इंटेलिजेंट बनाती है। राइट और स्टडिंग पोएट्री मेक्स अ मैन विटियर, मतलब हम जब पढ़ाई पोएम्स की करते हैं तो हमको थोड़ा विटी बन जाते हैं, मतलब इंटेलिजेंट या थोड़ा सा एक नॉलेजेबल बन जाते हैं। और मैथमेटिक्स क्या करता है, मैथमेटिक्स गिव्स साउंड लॉजिकल सेंस, हमारा कंसंट्रेशन मैथमेटिक्स के कारण डेवलप होता है, ऐसे फ्रांसिस बैकन इस एसे में बोलते हैं। और जब भी हम फिलोसॉफी पढ़ते हैं तो फिलोसॉफी क्या करती है, फिलोसॉफी इम्पार्ट्स वैल्यूएबल लेसन्स ऑन मॉरलिटी, कि हम जब भी कोई तत्व ज्ञान और ये कोई भी ज्ञान, बड़ा ज्ञान पढ़ते हैं या फिलोसॉफी पढ़ते हैं तो हमारे नॉलेज में सही में मॉरलिटी या कोई भी एक अच्छी क्वालिटी डेवलप होती है। और वो फ्रांसिस बैकन ऑल्सो सेज दैट कि जो विट होता है, जो भी बुद्धिमत्ता होती है, जो नॉलेज होता है, इट इज अ गॉड गिवन गिफ्ट एंड इट इज प्रेजेंट इन एवरीबडी, हाउएवर इट कैन बी शार्पन बाय इलेक्टिव और सिलेक्टिव स्टडी। राइट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे थोड़ा सा साइंस का यूज करते हैं और कुछ स्टोमक, ग्लैड बेटर, रेन, शूटिंग एंड लंग्स एंड ब्रिस्ट के बारे में बोलते बोलते ये अपनी फिलोसफी यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों देखिए वो आगे बोलते हैं कि सो इफ अ मैंस विट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। राइट लेट हिम स्टडी मैथमेटिक्स फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नियरर बी लिटिल और सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, इफ हिज विट बी नॉट बी एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन फॉर दे आर क्रिमिनिस्ट सेक्टर्स, इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर लेट हिम स्टडी द लॉयर केसेस। Now say what he is actually saying in this case or in this lines. देखिए दोस्तों वो बोलते हैं कि if a person is unable to concentrate, मतलब कि अगर कोई कोई व्यक्ति concentrate करने में fail हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको mathematics पढ़ना चाहिए। Right? So he can study well, he can do well in that field. In mathematics especially, a slight loss of concentration leads to ग्रेव एरर, राइट और द ग्रेट एरर। इसलिए कोई भी हम जब भी कोई मैथमेटिक्स में एक स्टेप अगर गलत करते हैं तो हमारा पूरा गणित बिगड़ जाता है, ऐसे वो यहाँ पे बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि इफ हिज वीट, राइट वो क्या बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इफ अ पर्सन डज नॉट हैव एबिलिटी टू डिस्कर्स ही विल बी डिफिटेटेड और यू नो बेनिफिटेड बाय स्टडिंग स्कूल मेंस एज इट ट्रेन्स मेंटल एबिलिटी एंड डेवलप द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमको पढ़ाई करना चाहिए, किसका किसका मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं कि अगर वो कुछ कॉन्सेंट्रेट करने में, कुछ आर्ग्यूमेंट करने में कुछ अच्छे नहीं है तो दे कैन स्टडी लॉ ऑल्सो और द लॉयर्स केसेस। राइट मतलब हम लास्ट में हम बोल सकते हैं कि इफ अ पर्सन इज अनेबल टू गार्नर फैक्ट्स एंड मैनिपुलेट देम इन डिफरेंट विद अ डिफरेंट स्किल, उसको क्या करना चाहिए, स्टडी क्या करना चाहिए, लॉ करना चाहिए, लॉ को पढ़ना चाहिए एंड
हिज क्वालिटी ऑफ थॉट्स और हिज क्वालिटी ऑफ मैनिपुलेटिंग थॉट्स में इम्प्रूव इन दिस एसे और इन दिस इन हिज लाइफ ऑल्सो। सो इस तरह से दोस्तों वो हमको इस ऑफ स्टडीज में बहुत सारी बातें बताते हैं। और इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज डील्स विद द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्टडीज और द डिफरेंट यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज फॉर एनी इंडिविजुअल, फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी 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 लर्नर इन देयर डेली लाइव्स। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स टू राइटिंग पेपर्स, स्टडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वाइटल रोल इन एनी वंस लाइफ, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टडी वी कैन बी लर्नड, वी कैन बी कॉल्ड लर्नड, विटी एंड एक्सपीरियंसेस। सो इन शॉर्ट द एसे रिटन बाय बैकन entitled of studies is enriched with intellectual wisdom, pragmatic approach and the practical knowledge that he has learned from his life or that he had learned or taken in his practical life as a parliamentarian, as a lawyer, as a statesman, as a philosopher, as a essayist, right? तो दोस्तों आपको ये ऐसे समझ में आ गया होगा। तो इस ऐसे के बाद आपको अगर कुछ कठिनाई आते तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू कैन गेट द लोटस नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग अपलोडेड वीडियो। थैंक यू।